दूसरा मेरा क्वेश्चन था चीफ सेक्रेटरी के वाले से लेकिन पाकिस्तान की मैशियत आपको खतरे में और आपने किताब पे रखा हुआ है चाय के वाले से मिनिस्टर भी कह रहे नहीं पानी है यार गर्म पानी है मैं सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ आगे देखें नहीं 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 देखें पानी है मैं बड़ा देखें मैं पानी गर्म पी रहा हूँ जी इससे ज्यादा आपको मैं क्या इसका बता सकता हूँ इस वक्त दूसरा देखें आपका पॉइंट ठीक है और यही हमने डिस्कस किया था कि ये आपके सुपरस्टार्स जो है ना पीजेएल में नहीं है सो हम क्या करें कि ये फिर भी आप मैं आपको बता रहा हूं ना कि 6 अगर फ्रेंचाइज हैं तो 30 लोग इंटरेस्टेड हैं इनको खरीदने के लिए मैसिव एक तरह से ट्रैक्शन जिसको कहते हैं ना और इंटरेस्ट है सो हम क्या कर रहे हैं कि हम आइकॉन्स अनाउंस कर रहे हैं उस डगआउट का जो इंचार्ज होगा वो परमानेंट होगा वो सुपरस्टार होगा और वो अगले आपको मेरे ख्याल में 10-15 दिन में अनाउंसमेंट्स मिलेंगी एक इन्वेस्टर के लिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान की देखें अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अंडर 19 के बच्चे को आप लेके चलते हैं और अपने विंग्स में रख लेते हैं सो ये आपके लिए एक गुड डीड भी है और एक सेटिस्फैक्शन भी मिलती है सो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करें और जैसे मैंने कहा कि हम आइकॉन्स के थ्रू डगआउट को पॉपुलर करेंगे ताकि जितने भी फैंस हैं उनका इंटरेस्ट रहे यार इंडिविजुअल है देखें मैं ज़्यादा सिलेक्शन के ऊपर करता नहीं हूँ बहस मुबासा बात यह है जी एक सिस्टम और एक आपका सक्सेस रेट जो है वो इनक्रेडिबली अच्छा है तो उसमें जो है ये खाम खा की हालांकि मुझसे ज़्यादा जिसने 20-25 साल कमेंट्री की है एक एक प्लेयर को टेक्निकली जो जानता है मुझसे ज़्यादा अड़ी लेने वाला तो कोई हो नहीं सकता है आप समझ रहे हैं ना मेरा तो एक राइट मैं समझता हूँ एज अ चेयरमैन एज अ क्रिकेटर मगर मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ कि किसी स्ट्रैटेजी में आके और दखल अंदाजी करूँ बल्कि मैंने जो ये जो सक्सेस है ये इसी वजह से है कि चेयरमैन एंड कंपनी पीछे हटे हुए हैं और लीड ले रहे हैं जो उसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि टीम वाले और आपके चीफ सेलेक्टर सो ये सिलेक्शन के ऊपर जैसे मैंने कहा ना कभी भी एक पेज पे नहीं हो सकते प्लस एंड माइनस हैं कोशिश यही है कि जो है जिसको जायज़ हिस्सा हक है वो ज़रूर मिले